आप सभी का फिर से स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। जैसा कि जीएनएम वाले जो स्टूडेंट क्लासेस लगातार कर रहे हैं, उनको पता होगा कि वाटर की क्लास चल रही थी, जिसमें वाटर को डिफाइन करके भी बताया जा चुका है, वाटर के टाइप्स भी बताए जा चुके हैं, और एक एक करके वाटर के जो टाइप्स हैं उनको डिफाइन करना है। तो उस डिफिनीशन में क्या चीज़ें हैं और कैसे डिफाइन किया है आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने, तो उनके बारे में जानेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं टॉपिक पे। तो टाइप्स ऑफ वाटर मैंने पहले ही बता दिया था, जिसमें अंतरिक्ष और भूमिजल को अलग अलग पार्ट में मैंने डिफाइन किया था। अब एक एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें अंतरिक्ष जल को सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में लिया गया है। तो अंतरिक्ष जल को जान लेते हैं। तो अंतरिक्ष जल को इंद्रजल, अंतरिक्ष जल को इंद्रजल या दिव्य जल भी कहा जाता है, अंतरिक्ष जल को इंद्रजल या इंद्रजल भी कहा जाता है। इसके जो गुण हैं छह होते हैं। शीत है, मतलब कि शीतल होता है, पवित्र साफ सुथरा है, कल्याणकारी, पीने से बीमारियां नहीं होती है, इसलिए कल्याणकारी दर्शाया गया है। स्वादिष्ट है, स्वाद वाला होता है, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका था अगर ऑर्डरलेस है, अगर स्वादहीन है, गंधहीन है, या स्वाद में अच्छा अगर नहीं लगता है तो पानी हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। आयुर्वेद में भी उसी तरह से बताया गया, गुड़ जो पानी का है शीतल ठंडा है, अंतरिक्ष जल का गुड़ बताया जा रहा है, मतलब कि जो रेन वाटर है उसका गुड़ है, शीतल है मतलब ठंडा है, पवित्र है साफ सुथरा है, कल्याणकारी मतलब कि बीमारियों से रहित है, स्वादिष्ट है, पीने में अच्छा है, स्वच्छ है और लघु है। तो इतने गुण हैं जो इंद्र जल या दिव्य जल के बताए गए हैं। अब उसके बाद से पहले से ही मेंशन है, आप देख सकते हैं। रस पहले मैंने लिखा, रस जैसे कि साइंस में जो चीजें हैं, साइंस में बताया जाता है कि जो हमारे टेस्ट बड हैं उसके हिसाब से हमें किस किस तरह के स्वाद मिलते हैं। तो पहले से ही आपको पता होगा स्वीट, सॉर, साल्टी, बिटर, और जो टेस्ट है अलग अलग तरह के टेस्ट आपको मिलते हैं। तो जो हमारा टंग है उस पे टेस्ट बर्ड होते हैं। पहले भी आपको क्लासेस में बताए जा चुके हैं कि जो पहचानने वाली जो स्वाद कलिकाएं हैं वो हमारे मुंह में पांच स्वाद को ही बस पहचानती हैं, पांच स्वाद को ही पहचानती है, लेकिन हमारे जीभ पे जो स्वाद कलिकाएं हैं वो 300 से भी ज्यादा स्वाद कलिकाएं हैं, लेकिन जो पहचानने चिन्हित करने वाली जो स्वाद कलिकाएं हैं वो पांच ही हैं, जैसे जो खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा और कसैले स्वाद को ही पहचान सकती है। लेकिन आयुर्वेद में जो रस को डिफाइन किया गया है वो स्वाद के हिसाब से ही डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे रस मेंशन है, जो रस आयुर्वेद में बताया गया है। तो मधु मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, कटु मतलब कड़वा, तिक्त मतलब तीखा, और कसाय का मतलब हो गया कि कसैला। जो स्वाद जो है आपको आंवले से मिलता है उसको हम कसैला, या कच्चे अमरूद से मिलता है उसको हम कसैला या कसाय बोलेंगे अमरूद आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में इतने रस बताए गए हैं। अब जो अंतरिक्ष जल है उसके गुण भूमि पर गिरने के बाद से बदल जाते हैं, मतलब कि जो बारिश होती है अलग अलग भूमि पर गिरती है तो उसके जल के गुण भी अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब भूमि अगर ऊंचर है या खराब है तो उसपे अगर जल गिरता है तो जल के गुण बदलना है, मतलब कि गुण उसके बदल जाएंगे, अपने हिसाब से वो गुण बदल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो गुण है उसमें समाहित हो जाते हैं और उस भूमि का जो गुण है वो जल को परिवर्तित कर देता है और जल भी उसके गुण को अपने अंदर छुपा लेता है और वो जहां भी जाएगा अपने गुण को वो फैलाते जाएगा। अगर किसी भूमि में ज्यादा उर्वरक डाले गए हैं, केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा डाले गए, तो उसमें अगर पानी मिलती है तो पानी एक तरह से वो बारिश का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है और पीने योग्य नहीं रह जाता, बस बीमारियां फैलाएगा। उसी तरह से पहले से ही हमारे आयुर्वेदचार्यों ने, पहले से ही हमारे जो आयुर्वेदचार्य थे जैसे सुश्रुत जी और चरक जी थे, पहले भी मैंने मेंशन किया है कि इन्होंने ही जो आयुर्वेद की थियरी दी है और जो बहुत सारी जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, जो भी आप चीजें पढ़ेंगे, जो भी चीजें बताई गई हैं इनके द्वारा बताई गई हैं, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन इस समय किया जा रहा है और उसमें जो चीजें हैं उसी को हम अलग करके अलग अलग चीजों को रिफरेंस करते हैं, अलग अलग चीजें प्रयोग में लेते हैं और उसपे औषधि निर्माण भी होता है। तो बहुत सारी चीजें उनसे हमें सीखने को मिलती हैं।
तो यहाँ पे जो रस है अलग अलग भूमि पर गिरने के बाद से अलग अलग गुण में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसा चरक ऋषि और सुश्रुत जी ने बताया है भूमि के हिसाब से, तो सबसे पहले चरक जी का देखते हैं। चरक आचार्य चरक का मानना यह है कि अगर काली मिट्टी पे अगर अंतरिक्ष जल निकल गिरता है तो उसका स्वाद जो है उसमें रस जो होता है मधु होता है। कैसा रस होता है? मधु। इन्होंने अम्ल को नहीं बताया कि अगर किसी भूमि गिरे तो यह अम्ल में कैसे परिवर्तित होता है, ये इन्होंने नहीं बताया। लेकिन क्षार युक्त ऊसर भूमि पे अगर बारिश का जल गिरता है तो उसका जो गुण है लवण हो जाता है, रस उसका लवण हो जाता है, मतलब कि स्वाद वो नमकीन हो जाएगा, खारा। अगर अनुपजाऊ और ऊसर भूमि पे बारिश का जल गिरता है तो उसका स्वाद खारा हो जाएगा, लवण हो जाएगा। अगर पर्वतीय इलाकों में या पर्वतीय भूमि पे बारिश का जल गिरता है तो उसका जो स्वाद है कटु हो जाएगा, मतलब कि कड़वा हो जाएगा। अगर पांडुर मतलब कि धूसर भूमि पे अगर जल गिरता है तो उसका स्वाद तिक्त हो जाएगा, मतलब कि तीखा हो जाएगा। और अगर श्वेत भूमि पर अगर जल गिरता है, वर्षा का जल अगर श्वेत भूमि पर गिरता है तो कसाय हो जाएगा, मतलब कि कसैला हो जाएगा। इसी के क्रम में चलते हैं, सुश्रुत जी का भी जान लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इनके अनुसार अगर लाल भूमि पर, मतलब कि अगर मिट्टी लाल है और वहां पे जल गिरता है वर्षा का, तो उसका गुण जो है मधुरस हो जाएगा, उसमें जो रस होगा वो मधुरस होगा। अगर कपिल भूमि पर गिरता है तो उसमें अम्ल होगा। अगर पांडु भूमि पर गिरता है तो उसमें जो रस है लवण होगा। अगर नील भूमि पर गिरता है, मतलब कि नीली अगर है, तो वहां पे जो रस होगा कटु होगा। पीत अगर पीला है, पीली भूमि है, तो वहां पे उसका स्वाद तिक्त होगा। और अगर श्वेत है तो वहां पे स्वाद कैसा हो जाएगा? कसाय हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा डिफरेंस करके देखें तो इनमें अगर देखें तो रंगों के हिसाब से रस को डिफाइन किया गया, रस बताया गया कि अलग अलग रंगों की भूमि पर अगर गिरता है तो उसमें रस अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे रंगों के बताने का मतलब ये है, इससे तात्पर्य ये है कि जो भूमि का रंग है उसमें जो चीजें मिलाई जाती हैं, अगर चूने की मात्रा ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, तो भूमि का रंग जो है स्वतः ही सफेद हो जाएगा। तो इसीलिए अगर श्वेत बताया गया है, तो अगर श्वेत भूमि पर अगर वर्षा का जल गिरता है तो वो उसका जो गुण है, उसका जो रस है, कसाय हो जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया होगा, ये जो टॉपिक है इतना, मतलब कि डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसी के क्रम में आगे चलते हैं और यहाँ पे जो दूसरी चीज है उस पर डिस्कशन होगा। जैसा कि वर्षा का जो जल है अलग अलग भूमि पर गिरने के बाद से अलग अलग रस में परिवर्तित कर लेता है, उसके स्वाद बदल जाते हैं, गुण बदल जाते हैं, उसी तरह से अलग अलग ऋतु में अगर अलग अलग ऋतुओं में अगर वर्षा का जल गिरता है तो ऋतु के अनुसार भी जलों का जो गुण है, वर्षा के जल का जो गुण है वो बदल जाता है। तो देखते हैं कि ऋतु के अनुसार वर्षा के गुणों में क्या परिवर्तन होता है। तो ऋतु के अनुसार अंतरिक्ष जल में ऋतु के अनुसार क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देखते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि अगर भूमि पर अलग अलग भूमि पर अगर वर्षा का जल गिरता है तो उसके गुणों में परिवर्तन होता है। उसी तरह अगर विभिन्न ऋतुओं में अगर बारिश होती है, बारिश का जल जमीन पर आता है, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो टॉपिक वाइज अगर देखेंगे तो ऋतुओं को मैंने मेंशन कर दिया है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो छह ऋतुओं को मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो अगर शिशिर ऋतु में देखें तो शिशिर ऋतु में गुणों में क्या परिवर्तन होता है, वर्षा ऋतु के वर्षा जल में क्या परिवर्तन होता है। तो शिशिर ऋतु में हेमंत के जल से लघु एवं कफ वात सामक, यहाँ पे लिखा हुआ है हेमंत के जल से लघु, मतलब कि अगर हेमंत ऋतु में जो वर्षा होती है उसके जल से शिशिर ऋतु में जो वर्षा हो रही है उसका जल लघु गुण का होगा और कफ और वात सामक होगा, मतलब कि कफ और वात को होने नहीं देगा, शरीर में कफ और वात को बढ़ोतरी नहीं होने देगा। जो आयुर्वेद के छात्र छात्रा हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कफ पित्त, वात पित्त और कफ होता क्या है, क्योंकि जैसे एलोपैथी में ये चीजें नहीं है लेकिन आयुर्वेद में ये अच्छी तरह से बताया गया है कि बीमारियां जो शरीर में है वो तीन चीजों के वजह से ही शरीर में आती हैं, जैसे वात पित्त और कफ। अलग अलग ऋतुओं में वात पित्त और कफ की बढ़ोतरी होती है, घटोतरी होती है, उसके अनुसार ही हमारे शरीर में बीमारियां व्याधियां आती रहती हैं और बढ़ती घटती हैं। तो उसी तरह से अगर वर्षा का जल अलग अलग ऋतुओं में अगर होता है
तो उसके गुणों में परिवर्तन होते जाता है। तो शिशिर ऋतु में हेमंत के जल से इसका गुण लघु हो जाता है और कफ और वात का यह शामक होता है। अगर हेमंत ऋतु में वर्षा का जल आता है गिरता है तो वसंत ऋतु में वर्षा के जल में विभिन्नता ये होती है, जैसा पहले भी बताया जा चुका है, इसका रस कषाय हो जाता है। इसमें भी दिया हुआ रस कषाय है, मधुर है और रुच हो जाता है, मतलब कि ऋतु के अनुसार। ग्रीष्म ऋतु में ये अगर वर्षा का जल है तो कफ शामक है, कफ नाशक है, कफ का नाश करने वाला है और ये इसका जो गुण है क्या हो जाता है, रुच हो जाता है। वर्षा ऋतु में अगर वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल अगर प्रयोग में लेते हैं तो ये नया जल होता है जो कि गुरु है। जैसे आपको पहले से पता है कि नया जल का मतलब क्या है, नया जल से तात्पर्य है कि अगर हाल ही में बारिश हुई है, बारिश महीनों से नहीं हुई और बारिश के मौसम में बारिश पहली बारिश हुई, उसी को हम नया जल या नया बारिश का जल बोलेंगे। तो पहले से आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि अगर वर्षा का जल है तुरंत पहली बारिश है तो उसमें नहीं नहाना चाहिए, उसका प्रयोग में उसे हमें नहीं लेना चाहिए। तो कारण, सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि जो भी एवोपरेशन हुआ था, जो भी वाष्पोत्सर्जन हुआ था अभी तक का बारिश से पहले का, तो जो भी भूमि का जल था वो ऊपर चला गया था और वही बारिश के रूप में नीचे आने वाला है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे धूल कण और हवा में फैली हुई बहुत सी दूषित वायु एक लेयर बना चुकी है वायुमंडल में, और जो बारिश का पानी आने वाला है या जो बारिश का पानी आ रहा है उसके साथ ये मिल जाती है और उस वातावरण को साफ करते हुए वो जमीन पे पानी को लेकर के चली जाती है, जिससे जो गंदगी है जमीन पर आती है। इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पहले से बोलते हैं कि पहली बारिश या बरसात की जो शुरुआती बारिश है उसमें हमें नहाना नहीं चाहिए, उसका हमें जल प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा साइंटिफिक अगर रीजन देखें तो ये एसिडिक रेन होता है, एक तरह का अम्लीय वर्षा है, अम्लीय जल है, क्योंकि जो भी सिटीज हैं वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं या जो नाइट्रोजिनस या कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जाकर के वायुमंडल में एक लेयर बनाए हुए हैं और बारिश के जल के साथ वो भी जमीन पर आते हैं, तो वो एसिड रेन अम्लीय वर्षा कहलाती है। लेकिन लगातार अगर बारिश हो रही है तो वायुमंडल साफ हो जाता है, फिर अगर कई बार बारिश हो गई आप उस बारिश में फिर जाते हो तो फिर ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वातावरण क्या हो गया, साफ हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी बताया गया, वर्षा नया जल है तो उसका गुण गुरु हो जाएगा और स्वाद जो रस है इसका मधुर रस का हो जाएगा अगर वर्षा ऋतु में बारिश का जल प्रयोग में लेते हैं, उसमें ये गुण होते हैं। शरद ऋतु में अगर वर्षा का जल अगर देखें तो उसका जो गुण है स्वच्छ और लघु हो जाएगा, स्वच्छ और लघु होगा। और हेमंत ऋतु में अगर देखें तो इसका जल प्रयोग करने पर यह वीर्यवर्धक है, वीर्य की बढ़ोतरी करता है, बल कारक है, बल को बढ़ाने वाला है और गुरु है। तो इसमें ऋतु के अनुसार अंतरिक्ष जल में ये सारी चीजें हमने बता दी। अब इसके बाद से जो है, जैसे आपको बताया गया था जो अंतरिक्ष जल है उसमें चार प्रकार हैं, मैंने बताए थे चार प्रकार जो बताया था, धार, कार, तौसार और हेमवती, चार जो प्रकार थे मैंने बताया था अंतरिक्ष जल का, जो धार था, कार था, तौसार था और हेमवती। हेमवती तो धार, कार, तौसार, हेमवती। तो अभी जो नेक्स्ट जो हमें चीजें पढ़नी है वो धार, कार और तौसार, हेमवती, इन चारों प्रकार को हमें पढ़ना है। अभी आपने मेन चीज पढ़ी है इंद्र जल और अंतरिक्ष जल के बारे में, और उसमें आपको बताया गया कि पानी का जो प्रयोग हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, उसमें गुण क्या है और कैसे कैसे ऋतुओं के अनुसार वो हमारे शरीर पे असर दिखा रहे हैं, गुणों में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है और किस भूमि पे अगर जल आ रहा है तो किस तरह का हमें उसमें रस परिवर्तन दिख रहा है, स्वाद कैसा आ रहा है और हमारे शरीर पे उसका किस तरह से प्रयोग, किस तरह से उसका हमारे शरीर पे असर दिखेगा, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पार्ट फोर करके आएगा, जिसमें आपको अंतरिक्ष जल की जो चीजें बताई गई हैं, अंतरिक्ष जल के जो पार्ट बताए गए हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो का जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे या जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसको कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को कवर कर सकूं। वीडियो में बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।